बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बार किसी तरह पास से मुस्कुराते रहे। इसने एक दुआ के साथ हम आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यूट्यूब चैनल पर नुसलावी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स के ज़रिए आगाह करते रहना। थैंक यू जी। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तमाम बहन भाइयों को बर वक्त मिलता रहे। असी सब ने मिल के यही डिसाइड किया कि असी जरा ना अज सब्जियां वाले जड़े ना चावल बनावांगे। उमार, मैं, आदन, समैरा, असी सारे ने कहा कि सब्जियां वाले चावल बनावांगे। इस वजह तो मैं आया बाजार, तो मैं इतों लैके जाना वा कुछ मटर, लैके जाना गाजर, लैके जाना आलू, लैके जाना ये सारिया चीज़ा, टमाटर, मिर्च, ये खरीद के लैके जाना। तो असी बनावांगे सब्जियां वाले चावल। बहुत दिल करदा सब्जियां वाले चावल खाण नूं। तो चलो जी हुण लैने इत्थों। हाँ जी, असी बाज़ार गए सी ते मैं क्या भी बच्चों वास्ते फ्रूट भी लै जा। तो जिहड़ा ना मां ने कहना नहीं कहा सी मेरे वास्ते लिआंदा, छोटे छोटे बड़े शौक ना करो। हाँ जी चलो, एक दिन सही नहीं दिते उन्हें, कोई गल नहीं। अच्छा, मैं क्या भी सब्जी भी ले जा ते पचास रुपए पाओ आ मटर नहीं, मटर तो सौ रुपये पाई है वा, तो यह टमाटर हजे भी सौ रुपये पाई है। हाँ जी, बस ठीक। चलो वो भी फ्रेश है, वो भी फ्रेश है हर। अच्छा, मटर मैं कटा देना, गाजर भी लिया दिया, सारिया सब्जियां जड़िया ना तुसी पाओ। बच्चे सब्जियां वाले शौक ना खांदे आ। नहीं नहीं, वो कोई वैसे ही आ गई होनी। अच्छा, मैं क्या भी सौ गए सी, थकावट हुई हुई सी, असी आके सो गए सी। ते नाले मैं उन्होंने बाजरा भी तो इकट्ठा करांदा रहा ना भाई होना ना। हाँ जी, उमार नूं भी नवी यूनिफॉर्म लैके देनी है। जिहड़ा नवी अगे सी कलर उन्हां दा मेरे ख्याल पिंक, हुण कलर हैगा ब्लू। ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨੀਵੀ ਬਲੂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਪੈਂਟ ਬਲੂ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਈਟ ਜਿਹਾ ਕਲਰ। ਇਸ ਰੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਅਦਨ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ चावल मिन क्या कहते हैं, मिन के लेके आने एक बर्तन, मतलब जेड़ा से बनाना होगा चावल। अच्छा अच्छा, मैं तो कहना भी उत्थे पता नहीं डोल के आंदी होनी है, की करदी है, एदी ड्यूटी एदन दी लाई हुई है। बस एक काम करती है, चावल एक कप चुका के ले जांदी है। अच्छा, यह सब्जियां वाले चावल जेड़े ना जबरदस्त, जेड़े गाजरां, मटर, आलू, ये हर चीज जेड़ी है ना वो तैयार हो गई है। मेनू तो बहुत जबरदस्त जेड़ा ना वो रहते दा समान आ। हां जी, ठीक है, ते बहुत ही ज्यादा चावल चौके बहुत मजेदार लगते हैं मेनू तो। देखो बार जो चुल्हे को पहन लिया ना, मेरे काफी बर्तन भी धोने हैं। चलो ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਲਓ। ਫਿਰ ਚੱਕ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਫ੍ਰਿਜ ਪੂਰੀ ਗੁੱਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਧੋਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਧੋਊਂਗੀ ਫ੍ਰਿਜ ਫੇਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਹਾਂਜੀ 5 ਵਜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਨਾ। चावल बड़े जबरदस्त, बस दूसरी कोई कोई है वे इन्हां नूं छट लां। अदन किथे चीज रख के चक्के ते मिट्टी में पै गई।
अच्छा भी ऑयल वगैरह डाल के देखी थी, मैंने रख लिया। चावल बना रही, चीज़ें भी मैंने सारी तैयार करके इधर रखी हुई हैं, चावल भी भुगो के मैंने पास ही रख लिए हैं। तो फटाफट सब्जियों वाले चावल बनाते हैं क्योंकि शाम हो गई है, तो बच्चों को भी भूख लगी है, हमें भी लगी हुई है। हमने सुबह उधर नाश्ता किया था गाँव में, तो फिर घर आए तो कुछ भी नहीं हमने बनाया, तो अब लगी हूँ बनाने चावल, तो फटाफट बनाते हैं। इधर लगी है आपको भूख? मसाले वगैरह सब चीज़ डाल दी है, टमाटर मिर्चें भी हल्की सी लाल मिर्च और नमक डालना है, नहीं तो बहुत लाइट मिर्च हम काटते हैं। इसका भी अब मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है, टमाटर भी बिल्कुल नरम हो गए। अब इसमें सब्जियां डालते हैं तो लाइट चली गई, कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, धो के सारी चीज़ें मैंने रखी हैं। एक मिर्ची चली गई, अच्छी लग रही है। अभी अभी इसकी अच्छे से बनाई करते हैं सब्जियों की। जब जब भी ये मौसम आता है ना, तो हम सब्जियों वाले चावल बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा जी, सब्जियों की बुनाई हो रही है अच्छे से। तो इस तरह मैं रायते का सामान भी तैयार कर रही हूँ, प्याज, खीरा, तो हरी मिर्चें भी कूट लूँगी, साथ साथ मैंने कहा रायता भी बना लें। अच्छा जी, अच्छे से सब्जियों की बुनाई मैंने कर ली है। ये देखिए ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इसमें डालते हैं पानी, तो साथ साथ रायता भी बनाते हैं। अच्छा, तुसी ये दसो कि तुहानू ज़्यादा सालन शोरबा रोटी ज़्यादा पसंद है या चावल ज़्यादा पसंद है? मैनू चावल भी बथेरे पसंद है, सालन रोटियां भी हर चीज़ पसंद है। मैं कभी कहन के मैनू हर चीज़ पसंद नहीं है। अच्छा, तुसी दसो अपनी गल। तुहानू मैनू सब्जियां वाले चावल ज़्यादा पसंद है, तो फिर उस तो बाद जड़ा ना सालन च सिर्फ 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 केड़ा सालन दसा याद नहीं आ रहा। सानू तो कढ़ी पकौड़ा पसंद आ, सब्जियां बल्कि बच्चे कम खाते, मैं खा सारियां लैनी है, इन भी मैनू बहुत पसंद है। लेकिन मैनू गर्मी वाली सब्जी करेला पसंद आ, भिंडी पसंद आ, इस तरह दी सब्जियां पसंद आ। अच्छा, हुण भी मेरा करेले खाने दिल करदा, बाजार च है नहीं है गे? चलो सुबह ही ले आयो। चलो सही है, करेले मैं नहीं खांदा। हल तुसी करेले ना खाए तो हम कुछ और बना देंगे। चावल चावल ते हुन बनदे, तो कल भी तुसी चावल ही खाने। पता नहीं डकार बहुत ज्यादा आंदे आ। मैं ना ना रायता भी बना ला। अच्छा, तुसी दही लियांदा सी? दही किथे, ओ फ्रिज च नहीं रखे? कीरा ज्यादा लाया करो, बच्चे कीरा मांगदे खाणो, एक कीरा सी सिर्फ, मैं कहां पैसे च पा दूं। चलो सही है, मैं अगे तो खीरे ज्यादा ले आया। वैसे भी कहते खीरा बच्चियां दे आना चाहिए बटा। सही है, ते तुसी सलाद बनाओ ते अच्छा बड़ा जबरदस्त सलाद, अगर ना ना होवे ते इन्ने चावल खादे नहीं जांदे। नाले फिर सानू आदत बनी शुरू तो असी कभी वैसे खादे ही चावल। अगर मैं किसी जगह ते जावां ना ते चावल मिले ते सलाद ना होवे ते समझ लो भी इस तरह ही लगदा जिस तरह जड़ा ना दिल नहीं करदा है खाने। अच्छा बनाओ चावल, भुख बहुत ज्यादा लगी है सुबह दे जड़े ना, आज तो चावल भी ज्यादा ही खादे जाने हैं। ज्यादा खा लो जिन्ने मर्जी खा लो, मैं सिर्फ एक मक्का बनानी ता ही असी जिन्ने मर्जी खा लिए चावल किन्ने क्या कहना, प्लेट च पा के दिखाओ।
वाह भी वाह, दिल करता हूँ शुरू हो जाए खाना। बाहर बैठ के खाने चार पाइयां ते चलो सही है। बिस्तरे भी शिफे बच्चे सारे ऊपर करा देंगे। बहुत ही जबरदस्त जड़े है ना वो लगते हैं। चलो जी अब हम खाना शुरू करते हैं। मुझे पहले डाल दे ये पानी। थैंक यू शुक्रिया। जो नलके वाला पानी होता है ना ताज़ा फ्रेश वो ठंडा होता है, जो हम केन में से पीते हैं ना वो गर्म होता है। अब बर्फ डालनी पड़ेगी, बर्फ से गला खराब हो जाएगा, उस गर्म ही पिए। अच्छा भी मैंने तो रहता हूँ रहते के अंदर प्याज मैं बड़ा सारा डाला हूँ। मुझे भी एक बेटा, मुझे मिर्च ले आ। ये देखो कितने जबरदस्त बने हैं। तो कमरे में बिस्तर वगैरह बिछाए हुए हैं तो मैंने कहा बाहर बैठ के खा लेते हैं। वो मेरा मशीन वाला तेल किसने बाहर रखा हुआ? वो मार ने अपनी साइकिल को लगाया है। क्यों लगाया इसने? बस वो सारा अब मेरा ख्याल है कि उल्टी पड़ गई। वो कह रहा था कि जब से मैंने साइकिल को तेल लगाया है ना तब से रैली चल रही है। रैली तो चल रही है, वो पूरी बोतल तो नीचे गिर जाएगी ना, सीधी तो रखनी थी। नहीं इसको किसने कहा कि मशीन वाला तेल साइकिल को लगा? बस इसका इसके जहन में आया इसने लगा लिया। कोई और तेल नहीं लगाते? अभी बच्चा है ना इसको क्या पता। मैंने एक दिन इसके सामने दरवाजे को लगाया था, वो जो हम जब खोलते थे ना उसकी आवाज़ें आती थी, ची ची पाँ पाँ करता था। तो फिर मैंने ना वो दरवाजे को लगाया था तो इसने देखा होगा कि मम्मा ने जो दरवाजे को लगाया तो दरवाज़ा चीखे मारना छोड़ गया तो साइकिल को भी लगाता। चले जी ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ हम इजाज़त लेंगे देखने वाले बहन भाइयों से। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।